दोस्तों, आपके घर में एमसीबी के लगाने के बाद भी आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है, डिवाइसेस आपके बर्नआउट हो जाते हैं। जबकि हम एमसीबी को इसीलिए लगाते हैं कि हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे। तो आखिर ऐसा क्या गलती हो जाता है जिसके वजह से हमारा एमसीबी हमारे घर के डिवाइसेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी हमें दो टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट का, और सेकेंड प्रोटेक्शन ओवरलोड का प्रोवाइड करता है। यानी कि आपके एमसीबी के अंदर से यदि ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो आपका जो एमसीबी है, एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके घर के अंदर जो वायरिंग किया गया है, वायरिंग यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एमसीबी है ना, इस एमसीबी के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक करंट रेटिंग लिखा होता है। जैसे कि इस एमसीबी के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 363, यानी कि ये एमसीबी मेरा 63 एम्पियर पे ट्रिप होगा। इससे कम एम्पियर करंट फ्लो होने पे एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। ओके, अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को हम हमारे घर में वायरिंग के समय लगाते हैं। यानी कि जब हम घर का वायरिंग करवाते हैं तो उस समय हम एमसीबी का इंस्टॉलेशन करवा देते हैं, और इंस्टॉलेशन करवाने के टाइम पे एमसीबी का जो रेटिंग है उस रेटिंग का हमें ध्यान रखना होता है। अभी एक दो दिन पहले मुझे एक कंप्लेंट मिला कि एक जन के घर पे जो उनका घर का वायरिंग है, वायरिंग पूरा का पूरा बर्नआउट हो गया, यानी कि पूरा वायरिंग जल गया। अब उनके घर का जो वायर है पूरा का पूरा बर्न क्यों हो गया, उसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब मैं उनके घर में गया और वहाँ पे वायरिंग को चेक किया तो मुझे ये मिला कि उनके घर का जो वायरिंग किया गया, वायरिंग केवल दो वायर के जरिए किया गया है, एक तो फेस सप्लाई वाली वायर और एक न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर। ओके, अब यदि आपके घर में केवल दो वायर का इस्तेमाल करके पूरा वायरिंग किया गया है तो आपके घर का वायर जलना लाजमी है, यानी कि वायर के जलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, एक बार समझिए। देखिए दोस्तों, हमारे घर में जो डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइटिंग वाली और दूसरा होता है पावर वाली लोड। लाइटिंग वाली जो लोड होती है उसमें हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं या फिर आपके घर का जो फैन होता है उसको कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपका पावर वाली लोड होता है उसमें हम हमारे घर का गीजर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इसके अलावा आपके घर में जो कूलर होती है, फ्रिज होता है, यानी कि जिस अप्लायंस के द्वारा हैवी करंट को फ्लो करवाया जाता है उसको हम पावर लोड कहते हैं। अब यदि आपके घर में वायरिंग करवाने जाते हो तो वायरिंग करवाने के टाइम पे आपको दो प्रकार का वायरिंग करना है, एक तो लाइटिंग वाली वायरिंग और दूसरा पावर वाली वायरिंग। यानी कि आपके घर में जितने भी बल्ब होंगे और जितने भी फैन होंगे उनको जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा लाइटिंग वाले सर्किट के द्वारा। इसके अलावा जो आपके घर में हीटर होता है उन सभी को जहाँ पे भी आप कनेक्ट करोगे उसको कनेक्ट करने के लिए जो सॉकेट लगाया जाएगा उस सॉकेट में जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा पावर वाले सर्किट के द्वारा। अब जिस घर में मैं यहाँ पे वायरिंग को चेक करने गया था तो उनके घर में मुझे ये प्रॉब्लम मिला कि उनके घर का जो वायरिंग है, वायरिंग में केवल एक सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सेकेंड प्रॉब्लम मुझे ये मिला कि वहाँ पे जो उनने एमसीबी इस्तेमाल किए थे, केवल वहाँ पे एक सिंगल एमसीबी का इस्तेमाल किया गया था जो कि 32 एम्पियर का था। यहाँ पे मेरे पास में आप देख सकते हो 32 एम्पियर का ही एमसीबी है। तो केवल ये वाला एमसीबी उनने उनके घर में लगा दिए थे। अब ये जो सिंगल एमसीबी है, इस एमसीबी को मैं यदि पूरा लोड को चालू करके रन करवाऊँ तो उस समय ये जो एमसीबी है, ये एमसीबी बराबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि इतना सारा लोड को रन करवाने के टाइम जो हमारा घर का करंट होगा वो 20 एम्पियर या फिर हो सकता है कि 25 एम्पियर तक करंट चला जाए, इतना ज़्यादा नहीं जाता, फिर भी 15-16 एम्पियर मान लीजिए। तो यदि पूरा का पूरा लोड यदि रन करता है तो उस समय हमारा एमसीबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे घर में गीजर, मिक्सर, कूलर, फ्रिज होता है, इन सभी को हम हमेशा रन नहीं करवाते हैं, कभी कभी हमें चालू बंद करना पड़ता है। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस हमारा कभी कभार चालू बंद होता है तो उस समय हमारा जो एमसीबी है, एमसीबी पे केवल बल्ब और फैन का लोड रहता है। पूरे घर का यदि आप बल्ब फैन को भी चालू कर दोगे ना तो आपके घर में मुश्किल से 1 से लेकर 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब इतना कम एम्पियर करंट के लिए आप यदि 32 एम्पियर का एमसीबी लगा दोगे तो आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा? आपका एमसीबी तब तक ट्रिप नहीं होगा जब तक कि आपके एमसीबी का जो रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट फ्लो ना हो। तो यदि आप आपके घर का वायरिंग करवाने जाओ तो आपको वहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके घर में जो आप वायरिंग करवाओगे उस वायरिंग में आपको दो सर्किट का इस्तेमाल करना है।
पहला सर्किट होगा आपका लाइटिंग के लिए और दूसरा होगा पावर लोड के लिए। ओके, इसके बाद आपके घर के डिवाइसेस के प्रोटेक्शन के लिए जो आप एमसीबी इस्तेमाल करोगे उस एमसीबी का अभी रेटिंग प्रॉपर होना चाहिए। एमसीबी के रेटिंग को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। यदि आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं। यदि आपके घर में केवल 2 से लेकर 3 रूम है तो उसके लिए आप 6 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल करिए। किसके लिए? लाइटिंग वाले सर्किट के लिए। यानी कि लाइटिंग सर्किट के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा उसमें आपको 6 एम्पियर का एमसीबी लगाना है। ओके, इसके बाद जो पावर सर्किट होगा उसके लिए आपको 16 एम्पियर का एमसीबी लगाना है। यदि आपके घर में और भी रूम्स हैं तो उनके लिए आप अलग से और भी एमसीबी इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में 6 रूम है तो वहां पे आप क्या करोगे, 3 रूम के लिए 1 एमसीबी को लगा दोगे और दूसरे जो 3 रूम है उनके लिए आप 1 एमसीबी को लगा दोगे। यानी कि आपको टोटल 2 एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा 6 रूम के लिए। ओके, तो इन 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप कभी आपके घर का वायरिंग करो। इसके अलावा दोस्तों अभी के टाइम पे मार्केट में यदि आप एमसीबी को बाय करने जाओगे ना तो एमसीबी के जैसे ही दिखने वाला आपको एक आइसोलेटर मिल जाएगा। यदि आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो एमसीबी बाय किया वो एमसीबी नहीं है, वो है आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है इसके बारे में मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो जल्द ही बना दूंगा। फिलहाल के टाइम पे केवल ये समझ लीजिए कि जो आपका एमसीबी है, एमसीबी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन यदि आप आइसोलेटर को बाय कर लोगे तो वो आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जो आपका एमसीबी है उस एमसीबी को बाय करने के टाइम पे आप एक चीज देख लीजिएगा कि एमसीबी के ऊपर में आपका इस प्रकार का सिंबल बना होना चाहिए। तो यदि आपके एमसीबी के ऊपर में ये वाला सिंबल बना हुआ है तो उसी को आप बाय करिए। यदि ये वाला सिंबल नहीं बना हुआ है, वहां पे केवल इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है ना, तो इसको आप बाय मत करिएगा। ये आइसोलेटर का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, इन 3 पॉइंट को यदि आप ध्यान रख के आपके घर का वायरिंग करवाते हो और एमसीबी को लगाते हो तो आपके घर का जो डिवाइस है उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।